नमस्कार दोस्तों, AHR न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये 2021 की सबसे बेस्ट वैकेंसी में से एक है। ये वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक ने निकाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी की बात की जाए तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप चाहे किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात की जाए तो इसमें आपकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। और सबसे अच्छी बात, इसमें स्टूडेंट केवल 10th पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इससे भी अच्छी बात, इसमें आपका ना कोई एग्ज़ाम होगा ना कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं होगा। ये सीधी सीधी भर्ती है, इसमें आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। बस मेरी लिस्ट में आपका नाम आ गया और फिर समझो आपका सिलेक्शन हो गया। आज मैं इस वीडियो में GDS के बारे में, जो ये भर्ती निकली है, इसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फॉर्म फीस क्या है, इसका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है, और आपको इसको अप्लाई करते समय इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और आप कब से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी और उससे जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स लेकर आता हूँ। इससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी की बात की जाए तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। इसमें ना कोई एग्ज़ाम होगा ना कोई इंटरव्यू होगा। इसमें मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें आपकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट होगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसकी सैलरी लेवल एक के हिसाब से 18 से 19 हज़ार के बीच में मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी अलाउंसेज मिलती हैं, जिससे आपकी सैलरी जो है वो 25,000 के आसपास हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि मैंने अभी अभी खोल रखी है। अब इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको फ़ीस देना है। इसके फॉर्म फ़ीस की बात की जाए तो इसमें आपको 100 रुपये लगेंगे, लेकिन फ़ीस जमा करने के बाद आप जब अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। इससे दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कहीं आप सोचो हमारा पैसा तो अब डूब गया। देखिए दोस्तों, आपका पैसा डूबा नहीं है, होता ही है। एक इसमें फ़ीस जमा करने के बाद उसको अपडेट होने में 72 घंटे यानी कि 3 दिन का टाइम लगता है। फिर आप 3 दिन बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके एप्लीकेशन भर सकते हो। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसका उसे ध्यान से सुनना। इसका फॉर्म कभी भी लास्ट डेट में मत भरना, वरना आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि इसको फ़ीस अपडेट करने में 3 दिन का टाइम लग जाता है। इसके अलावा, आप जिस स्टेट के लिए यह फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा, इस फॉर्म को उन्हीं बच्चों को भरना चाहिए जिनकी 10th में कम से कम 90% मार्क्स हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 10th में 90% नहीं बनी है, और अगर आप खासकर जनरल कैटेगरी वाले हो, तो इसमें आपको कम ही दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन 10th के मार्क्स के आधार पर होता है और उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलती है, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। बाकी अगर जिनके कम मार्क्स हैं उनको भी फॉर्म वैसे तो भर लेना चाहिए, क्या पता आपका लक अच्छा हो, कट ऑफ कम जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वैकेंसी के डेट की बात की जाए तो इसका ये दोबारा रीओपन हुआ है। इससे पहले जो इसकी डेट थी वो 27 अप्रैल से 26 मार्च तक थी, लेकिन ये दोबारा से रीओपन हुआ है। और अभी बिहार सर्कल का जो ये रजिस्ट्रेशन है GDS का, इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 30 जून से 14 जुलाई तक भरा जाएगा। 14 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आप इसी तरह और भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी और उससे जुड़ी सारी नई नई अपडेट्स पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।